हम लोग यहाँ हैं द अहिल्या फोटो हेरिटेज होटल, जो फाइव स्टार होटल है। इनका स्टे स्टार्ट्स फ्रॉम 40,000 पर नाइट। हम लोग पहले तो ये अभी हम फोर्ट के अंदर अंडर है, अभी हम एंट्री कर चुके हैं। फोर्ट का नाम ये फोर्ट का अहिल्या फोर्ट, अहिल्या फोर्ट महेश्वर में है। इस गेट के अंदर हम अगर एंट्री कर चुके थे, फोर्ट के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, किले का मेन गेट है ये। हाँ, पांच गेट बने इस गेट, इस फोर्ट के अंदर। गेट का नाम है हाथी गेट, हाथी गेट बोलते गेट को बोलते हैं हाथी गेट। और सेकेंड गेट होता है कमानी, और तीसरा गेट होता है मंडाल को, चौथा गेट होता है काशी विश्वनाथ, और पांचवा गेट किले का मेन गेट जो हम नीचे जाएंगे। और वो आप जो देख रहे हो ना वॉल बनी हुई है, ये जो वॉल जो बनी हुई है 4 किलोमीटर स्क्वायर के आकार में वॉल बनी हुई है। ठीक है, और वॉल ये मुगलों के समय की बनी है, मुगल शासन भी यहाँ पर रहा है। बाकी होलकर जब आए तो इन्होंने इसको और डेवलपमेंट किया। ठीक है, फिलहाल में अभी फिलहाल हेरिटेज है ऊपर। अहिल्या भाई कौन से टाइम पे थे? 1725 में जन्म हुआ था अहिल्या, 17वीं शताब्दी में। और वो मुगलों ने कितना टाइम, 16वीं शताब्दी में, 150 साल का बिटवीन था उसमें। और अंदर आप जो देख रहे हो ना, इसको पैलेस बोलते हैं, राजवाड़ा बोलते हैं, किलिंग पॉइंट होता है। महेश्वर में महेश्वरी साड़ी फेमस है, और महेश्वर का 70% पॉपुलेशन यही काम करता है। मेन फैक्ट्री नीचे है, उसी का यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 मेन फैक्ट्री आपको नीचे दिखाऊंगा। रेवा सोसाइटी, रेवा जो नाम होता है वो नर्मदा नदी का नाम होता है, रेवा। नर्मदा नदी फिलहाल में महाराज का है, रिचर्ड शिवाजी का होगा, बाकी आपको मैं नीचे बताऊँगा। ये राजवाड़ा है, पैलेस है। मैम अभी ये फिलहाल में हेरिटेज का हिस्सा है, अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने बोला था ना प्रति, मैंने बोला था ना, इधर का पर नाइट 40,000 चार्ज है ना। राजा साहब रिचर्ड शिवाजीराव होलकर, उनके अंडर में आता है। रिचर्ड शिवाजीराव होलकर, हाँ रिचर्ड। अहिल्या यहाँ से रूल करती थी, देवी अहिल्या होलकर के गुना पोस्टी। What? She was entitled as Devi. अच्छा, like a goddess. Oh. The only living being who was entitled Devi. For what purpose? But why? Made lot of temples. Renovated lot of temples. अच्छा। ये क्या है? These are all the temples that she has restored. Oh. So lot of temples were destroyed by the Mughals. She was known as Devi. So ये जो temples Mughals ने destroyed, one of the Mughals ने दारा, Mughals के दारा, one of the हाँ, renovation का काम किया, who renovated maximum Hindu temples. So she was a bhakt of Shiv temples. पुष्कर में तो शिव टेम्पल नहीं है, वो तो पुष्कर में शिव टेम्पल नहीं है, पुष्कर में एक अन्य क्षेत्र मंदिर है। बट क्या वो शिव टेम्पल के वो थे भक्त है शिव जी के? और भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उन पर शिव भक्त थे, उनके जो ससुर थे ना वो ही बहुत बड़े शिव भक्त थे। ओके, और माता पिता ये अहिल्या भाई होलकर में जन्म हुआ था, शादी पहले शादी पहले धनगर परिवार में, चोंडी में, धनगर परिवार चोंडी में, धनगरी परिवार की बेटी थी। शादी के बाद में होलकर फैमिली में आई, मराठाओं में मल्हार राव होलकर इन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें पता चल, उन्हें काबिलियत थी कि कहीं ना कहीं ये होलकर फैमिली को आगे बढ़ा सकती है। और सेवन का गद्दी है अभी तक बैठकर अहिल्या भाई होलकर शासन करती थी, इसको बाद में थोड़ा रिनोवेट किया गया है। ठीक है, गद्दी अच्छा, ओके। इसके हर 15 दिन में इसका जो ऊपर का जो कवर है चेंज होता है। सामने जो सिंहासन जो देख रहे हो ना, सिंहासन में बैठती थी अहिल्या भाई होलकर, जब भी बैठती थी न्याय करने के लिए तो अपने हाथ में शूलिंग लेकर चलती थी। अहिल्या भाई होलकर शिव भक्त थी बहुत बड़ी, देखा होगा।